श्री गिरिराज धरण की जय। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हमें श्रीधाम गोवर्धन में, जहां पर हम और आप श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ उनका दुग्ध से अभिषेक करेंगे। तो आइए भक्तों, चलते हैं श्री गिरिराज प्रभु की शरण में और उनके दर्शन करते हैं। आज फागुन मास की अमावस्या तिथि है और इस पावन अवसर पर हम श्रीधाम गोवर्धन से आपको श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन कराएंगे। आप मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़ जाइए, सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे और फिर उनका अभिषेक भी करेंगे। तो आइए चलते हैं श्री गिरिराज प्रभु के मंदिर में। दान घाटी से आप दर्शन कर रहे हैं श्री गोवर्धन धाम से। आप देख रहे होंगे किस तरह से हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त यहाँ पर आते हैं और श्री गिरिराज प्रभु का अभिषेक करते हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है, आप ब्रज के समस्त दर्शनों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों को श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन हो सकें। आइए सबसे पहले श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं। आप दान घाटी से दर्शन कर रहे हैं, यहीं पे हमारे ठाकुर जी गोपियों से दान मांगते थे। जब वो बरसाना से दूध दही लेके जाती थी तो ठाकुर जी यहाँ पर अपना दान मांगते थे। ये वही स्थान है दान घाटी। श्री गिरिराज महाराज के दर्शन आप करेंगे श्री धाम गोवर्धन से। बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन आज हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों को दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर भोग हमारे ठाकुर जी को आज लगाया गया है। और आइए अब हम श्री धाम घाटी श्री गिरिराज प्रभु के अभिषेक के दर्शन करते हैं। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। श्री गिरिराज धरण की जय। और आइए भक्तों, अब श्री गोवर्धन परिक्रमा में चलते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का नजारा आज का अमावस्या के इस पावन अवसर पर है। आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और भक्तों ये देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है आज राधा कुंड का कुसुम सरोवर। बहुत ही सुंदर दृश्य आज का कुसुम सरोवर का है। भक्तों, हमने और आपने आज श्रीधाम गोवर्धन से गिरिराज प्रभु के दर्शन किए। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।